यही कहूँगा कि शायद ये मेरी डेस्टिनी थी और मैंने इस कैरेक्टर को नहीं चुना है, कैरेक्टर ने मुझे चुना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला ऐसे करके एक ऑडिशन चल रहा है एंड दे पीपल आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ टॉलर देन 6 फीट, सो आई एम नॉट 6 फीट, सो डेफिनेटली नॉट फिट ओवर देयर। और मुझे बुलाया गया कि आप एक ऑडिशन दें, मैंने एक ऑडिशन दिया, अच्छा लगा क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी और कैरेक्टर ऐसा है कि शायद ज़िंदगी में ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ इस कैरेक्टर को लेके और मेंटली बहुत ज़्यादा इनग्रेव होता जा रहा है कैरेक्टर मुझ में, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं पहले दिन था जब मैं बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ ऑडिशन देने गया था, साईं बाबा पकड़ रहे हैं मुझे, मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊँगा क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है इतने बड़े कैरेक्टर को पकड़ना जो देवता तुल्य हों और जिसके साथ इतने लोगों का बिलीव हो, क्योंकि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को, हमारे जीवन को छू लेते हैं तो हम उनमें विश्वास करने लगते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी बोलना चाहिए कि मेरे शायद कोई पुराने अच्छे कर्म हैं कि मैं इस कैरेक्टर को कर पा रहा हूँ और सर ने और सोनी ने मुझे ये मौका दिया है। मैं ड्रामा स्कूल से हूँ, BNA, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है बाकायदा एक्टर्स की, उसमें हम तरह तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन ऐसा चरित्र मतलब कभी नहीं किया था मैंने। 2006 से एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं किया जैसा इस कैरेक्टर की लाइंस बोलते समय मैं करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साईं बाबा एक ऐसा कैरेक्टर जो स्पिरिचुअली इनलाइटेड है, उन्हें सब कुछ पता है और फिर भी वो इतनी कॉमन लाइफ जी रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं अपने तरीके से, इतने सोशल हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ उन्होंने शिरडी में ख़त्म कर दी। हिंदू मुस्लिम छोटे बच्चे बड़े लोग, आज एक छोटा सा बच्चा वो भी साईं बाबा को उसी श्रद्धा उतने प्यार से मानता है जो बड़े बड़े संत ज्ञानी और मतलब भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता, तो एक ये कॉन्ट्रास्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये बाबा की ही कृपा है कि मैं इतने बड़े इतने ब्रॉड रेंज का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैं खुद को अभी भी बहुत छोटा ही महसूस करता हूँ जब मैं साईं की तरफ देखता हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा एहसास होता है जब मैं कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा होता हूँ, मतलब मैं मेल्ट फील करता हूँ अंदर से, कि सर को लगा उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब तक मैं साईं करता रहूँगा हर दिन मेरे लिए एक नई लर्निंग होगी इमोशनल लेवल पे। मैं मतलब वेन एवर आई यूज़ टू वॉच माई सेल्फ एज अ कैरेक्टर लाइक साईं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बहुत बार डिटैच करने की कोशिश करता हूँ खुद को, लेकिन वो मुझे पकड़ते जा रहे हैं डे बाई डे। मैं महसूस कर रहा हूँ उनकी तरह, बहुत बार जो मेरे अंदर चीज़ें थी कि रिएक्ट करता था वो कम होता जा रहा है, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच सोनी चैनल, थैंक यू सो वेरी मच सर, और जो भी लोग मेरे साथ कर रहे हैं काम वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग शो देखिए और जो भी आपको लगता हो कहीं कि ऐसा और होना चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा पाऊं जो साईं के बारे में आप जानते थे या आप जितना महसूस करते थे उस इमोशन को, उस फील को इन्हेंस कर पाऊं, साईं बाबा का वो पहलू जो शायद वो सोचते थे या जैसा उनके अंदर चलता था वो मैं पोर्ट्रे कर पाऊं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी, इतना सब कुछ सब बोल चुके हैं शो के बारे में, मैं बायजा का किरदार निभा रही हूँ। सो बेसिकली जब पहली बार मुझे बताया गया, कॉल किया गया, तब मैं खुद इतनी श्योर नहीं थी कि मैं ऐसा कोई शो या ऐसा किरदार निभा पाऊँगी जो डिवोशनल शो है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं और कैसे ये सारे कैरेक्टर्स साईं बाबा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो मैं खुद इतना नहीं जानती थी इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जो ब्रीफिंग मुझे मिली, जो क्रिएटिव टीम ने मुझे दी और जो डायरेक्शन टीम से ब्रीफिंग मिली, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और साईं के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, मतलब अपना बेटा नहीं है लेकिन फिर भी वो उसे अपने बेटे के जैसे प्यार करती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत ही स्पेशल रिलेशन है और
पाटिल है, पाटिल की बीवी है, तो उसके उसका अपना एक ओहदा है शिरडी में, और अपना स्टैंड लेती है वो कुछ गलत के आगे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इस शो को देखें और हम सबको पसंद करें हमारे किरदार में। थैंक यू। नमस्ते। मैं इसमें, जैसे बताया नितिन सर ने, कि मैं इसमें कुलकर्णी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और जो थोड़ा सा निगेटिव है, साई बाबा के विरोधक है कुलकर्णी, तो थोड़ा निगेटिव शेड वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ। और ये है कि शिरडी में उसकी सत्ता है, उसकी पावर है, तो जब साई बाबा आते हैं शिरडी में और सब जिसे कहते हैं हम उनको धक्का देते हैं कुलकर्णी जी को, तो फिर वो बहुत चिढ़ जाता है और उनका विरोधक बन जाता है प्रोमिनेंटली। और ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जैसे अभी अबीर ने बताया कि वो फील कर रहा है वो सब चीज़ें, वैसे मैं नहीं करना चाहता क्योंकि क्योंकि वो बहुत ही निगेटिव है, जैसे आपने देखा ट्रेलर में वो जिस तरीके से पेश आता है लोगों के साथ, वैसा मैं नहीं आना चाहता मेरी निजी ज़िंदगी में। और अच्छा कैरेक्टर है, करने के लिए बहुत कुछ है उसमें, बहुत शेड्स है। और जैसे मैं मराठी थिएटर करता हूँ, टेलीविज़न भी कर चुका हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, और कॉमेडी मैंने बहुत की है मराठी में, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं हिंदी में आया हूँ और सोनी टीवी पर इतना बड़ा मेरे लिए डेब्यू सीरियल है, तो नेगेटिव कैरेक्टर में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ और वो काम सब लोगों के सामने आ जाएगा और अच्छी सराहना भी मिल जाएगी ये काम के लिए। सो थैंक यू सो मच। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर 300 ऑडिशंस के बाद कलाकार को चुना जाए, तो आप सोच सकते हैं कि अभिनय जो है चैलेंजिंग था, खुद को साईं बाबा के किरदार में ढालना, और क्या प्रिपरेशन की? जैसे बाकी लोग एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से मेथड एक्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कंटेम्प्रेरी तो नहीं कह सकते क्योंकि मीडिया में बहुत फास्ट चाहिए होता है, स्क्रिप्ट सुबह मिलती है, दोपहर तक तैयार करना है, बल्कि कई बार ऐसा होता है वैनिटी में आए स्क्रिप्ट आई और तैयार होने में जो भी 20 मिनट गए उसमें आप पहुंच गए, लेकिन बैक ऑफ द हेड चीज़ें चलती रहती हैं। मेथड एक्टिंग में क्या है कि आपको खुद को उस कैरेक्टर के रूप में देखना होता है, भले ही वो आपका अटायर हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, आपके जेस्चर हो, आपका पोस्चर हो, आपका साइकोलॉजी हो, तो उन चीज़ों पर काफ़ी काम करने के लिए था। एंड थैंक यू टीम दशमी कि उसमें अपर्णा मैम ने मुझे एक बुक गिफ्ट करी थी साइंस सच्चरित करके, तो मैंने उसको पढ़ा और बाबा के बारे में वो भी लोगों ने बताया है, बाबा का डायरेक्ट कुछ ऐसा है नहीं कहीं डायलॉग मिल पाए या वो कैसे डील करते थे, लेकिन इमेजिनेशन जो है, जो एक्टर का मतलब कोर जो रहता है, वहाँ पर आप चीज़ें स्टोर करते रहते हैं वन बाय वन, एक स्टोरी, दो स्टोरी, तीन स्टोरी, अच्छा ठीक है अगर मैं यहाँ पर होता एज अबीर तो मैं कैसे रिएक्ट करता, लेकिन बाबा ने कैसे किया। सो आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ फ्रॉम अबीर टू साईं बाबा साइकोलॉजिकली एंड द वे आई रिएक्ट। जैसे पहले मैं ऐसा था कि आपने बोला कि अबीर कुछ बताइए, हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इतना पेस था। और बाबा को जैसे आदिल हुसैन है इस समय जो इंडिया के लीडिंग एक्टर्स में से हैं, तो मैंने उनके साथ भी कुछ समय बिताया है, नसीर साहब भी उनके लिए बोलते हैं कि वो मुझसे भी अच्छा करते हैं कई बार, तो वो एलिमेंट्स पे काम करते हैं, तो मैंने जो एलिमेंट चुना है वो साईं बाबा के लिए क्लाउड है, क्लाउड स्काई, क्योंकि वो सब जगह है लेकिन वो दिखते नहीं हैं। ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कि जब बारिश का महीना आएगा तो बारिश होगी, जब विंटर्स आएंगी तो सर्दी पड़ेगी। साईं बाबा इज़ लाइक विंटर, कहीं बाहर से नहीं आता है, साईं बाबा हमारे बीच में, वैसे ही कब चेंज होता है पता नहीं, एहसास कराते हैं, अगर आप जाग सकते हैं तो जाग जाएं। जैसे एक क्वेश्चन मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि आप
कैरेक्टर को कैसे देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पर्सपेक्टिव है आपका। आप अगर इन दो शब्दों श्रद्धा और सबूरी से कुछ लेना चाहें तो मेरे ख्याल से दुनिया की हर प्रॉब्लम इन दो वर्ड से सॉल्व हो सकती है। अगर आपका सुपरनैचुरल भगवान में बिलीव है, अपने आप में बिलीव है, आत्मा में, तो वो श्रद्धा हो गई। और सबूरी का मतलब ये हुआ द डे विल कम। आप देखेंगे अभी ये एपिसोड आएगा तो उसमें एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब टाइम आएगा तो चीज़ें अपने आप बनेंगी। इट इज़ लाइक दैट। एक साईं बाबा के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि न ढूंढ बंदे मुझे आसमान में ज़मीं की गहराइयों में, न ढूंढ बंदे मुझे आसमां में ज़मीं की गहराइयों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। बात विश्वास की है, बाकी बाबा का। तोरल, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। अब तक आपने खाली बहुओं के जो टिपिकल रोल्स होते हैं वैसे किए हैं, सो ये रोल का कैसा था आपके लिए, थोड़ा डिफरेंट? बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद श्योर नहीं थी इनिशियली कि मैं ये इस किरदार को निभा पाऊँगी या नहीं, बट इस काफ़ी शेड्स हैं, वेरिएशंस हैं रोल में, तो मुझे अभी करते हुए तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आई गेस ये फीडबैक तो मुझे आप लोगों से मिलेगा जब यू नो आप देखेंगे शो को और आप बता पाएंगे कि मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं। माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, तौरल एंड अबीर। सो आर यू बोथ एक्चुअली बिलीवर ऑफ बाबा इन रियल लाइफ? तौरल यू फर्स्ट। या हमेशा ये बिलीवर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ स्पेशल कनेक्शन है बाबा के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जब भी मैं कुछ नया शुरू करती हूँ या करने जा रही हूँ तो मैं उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाती हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाऊँ, और मैं जब भी उनके आइडल के सामने खड़ी रहती हूँ तो मुझे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों आई हूँ, मैं क्या बात करना चाहती हूँ, या कि मैं कुछ मांगने आई हूँ, या मैं थैंक यू कहने आई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं होता, बस मेरी आंखों में से थोड़े से ऐसे आंसू आ जाते हैं और मैं इमोशनल हो जाती हूँ। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट यू अभी? मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं, तो मैं तो सेकेंड थाट ला ही नहीं सकता बाबा के लिए। जैसे पहले मुझे ही लग रहा था कि मैं ये कैरेक्टर नहीं कर पाऊँगा, तो एक छोटा सा इंसिडेंस है जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक साल पहले मैं 2013 में बॉम्बे आया था, और मेरा टारगेट था कि मुझे घर खरीदना है। लोगों ने बहुत बार बताया कि यार बॉम्बे में घर खरीदने में लाइफ निकल जाती है, लोग नहीं ले पाते। मैंने एक विश करी थी कि मैं गणपति बिठाऊँगा और मुझे दर्शन करने जाना है शिरडी। मैं शिरडी पहुँचा एक साल पहले अपनी मम्मी के साथ, मेरे कुछ दोस्त थे, और वहाँ पर उस दिन काफ़ी क्राउड था तो हम अंदर नहीं जा पाए। लेकिन मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ नहीं रहती हैं, वो हमारे होम टाउन में हैं, तो हमने कुछ बात बात करके, मेरी एक दोस्त थी साथ में, उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम कुछ बात करके देखो, लेडीज़ का कुछ क्यू छोटा हो या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो लेके गई। मेरी मम्मी एक ज़माने से साईं बाबा के लिए व्रत रखती हैं और उनका बहुत ज़्यादा बिलीव है, और जिसमें माँ बिलीव करे तो उसमें कोई सेकेंड थाट नहीं होना चाहिए, तो हम भी करते हैं। वो दर्शन करके आ गई और वो मुझसे बोल रही थी तुम भी जाओ। लेकिन सेम डे हमारा प्लान था कि हम शिंगणापुर भी जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी को आज शिंगणापुर ले जाना चाहिए, लंबा ट्रैवल करना था, शी इज़ हार्ट पेशेंट। तो मैंने बाबा के सामने बुके रखा, वहाँ पर साईं बाबा का एक जगह से साइड प्रोफाइल मिलता है, लेफ्ट प्रोफाइल साईं बाबा का आप देख सकते हैं, विंडो है वहाँ पर एक, तो मैंने वहाँ से उन्हें देखा और मैंने बुके मेरे हाथ में था मैंने ज़मीन पर रख दिया, और मैंने बोला कि बाबा मैं दर्शन करना चाहता हूँ आपके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समय बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अगली बार आप बुलाओ तो ऐसे बुलाना कि सेलिब्रिटी बन जाऊँ मैं, सेलिब्रिटी बना के बुलाओ आप। तो 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, कि वो एक साल हुआ नहीं, और मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी उस कैरेक्टर के लिए जो मुझे भी लगता था कि शायद इतना बड़ा कैरेक्टर मैं लाइफ में नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम में तो मैंने मना ही कर दिया था कि मैं ऑडिशन के लिए नहीं आऊँगा, और बाबा ने फिर ऐसे बुलाया कि उन्होंने अपना ही कैरेक्टर दे दिया कि अब इससे ज़्यादा तुम्हें VIP में क्या बना सकता हूँ शिरडी में। तो मैं तो ये कहूँगा नो वर्ड्स, मेरा बिलीव अगर पहले 80% था तो अब वो 180,000% हो चुका है, और ऐसा हुआ है, अभी एक ही साल हुआ है मेरे साथ, मेरे दोस्त भी थे, वो मतलब सब खुश हो गए थे, उन्होंने सब ने ये बोला कि दादा आपके वर्ड्स वो इतना जल्दी सुनेंगे कि एक साल भी नहीं हुआ और आप ऐसा कुछ कर रहे हो,
300 ऑडिशंस, मुझसे स्मार्ट लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन मैं बाबा नहीं पोर्ट्रेट कर सकता, वो आते हैं तो मैं कर लेता हूँ बस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. माय क्वेश्चन इज फॉर सर आशीष सर. दिस इज गोइंग टू बी अ लिमिटेड और मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी जो रिप्रेजेंट करता है, जो उनकी टीचिंग्स हैं साईं बाबा की, और एक जर्नी है साईं की कि जब वो यंग थे वहाँ से लेकर जब तक वो एक स्पिरिचुअल लीडर बने, तो वो पूरी जर्नी हम दिखा रहे हैं इस शो में. शो को चूज़ करें कुछ खास वजह? मैंने ऐसा शो या ऐसा कैरेक्टर पहले कभी किया नहीं है, डिवोशनल शो कभी किया नहीं है, और कैरेक्टर तो मैं पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना चाहती थी, और जितने भी रोल्स ऑफर हो रहे थे उसमें से मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट कैरेक्टर लगा. और नाउ आई कैन, जब मैं प्ले करती हूँ, मैं जब करती हूँ, शूट पे जाती हूँ, तब मुझे खुद को ये महसूस होता है कि मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ. मैथोलॉजी शो है तो लैंग्वेज पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, कितना रिसर्च किया और क्या? इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल शो, डिवोशनल शो है, और लैंग्वेज तो नॉर्मल हिंदी ही है, और पर जबकि ये 100 साल पहले की स्टोरी दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज जो हम नॉर्मल डेली सोप्स में इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं. क्या कुछ ऐसे कुछ रिसर्च तो कुछ किया नहीं है, पर आई गेस जब आप स्टार्ट करते हो रोल में जाने की, और वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद आप अपने आप आपको यू नो एज एन एक्टर यू फील कि अच्छा वो नेचुरली हो जाता है, वो लैंग्वेज भी स्क्रिप्ट एक बार पढ़ने के बाद वो बहुत नेचुरल हो जाता है एक्टर्स के लिए भी उसको फॉलो करना. तो लुक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे महाराष्ट्रियन, टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक है जो मैंने अब तक कभी किया नहीं है. तो लुक टेस्ट तो काफ़ी हुए थे कि क्या सूट कर रहा है, कैसा फैब्रिक, क्या मतलब पहले एक टिपिकल उनका प्लेन होती है साड़ियाँ या फिर चेक्स में होती हैं, तो ऐसे 2-3 लुक्स रखे गए हैं, और बाकी तो आप शो में देख ही लेंगे. सुपर एक्साइटेड, हर एक्टर अपने शो को लेके सुपर एक्साइटेड होता है, जैसे कि इट्स अ टीम वर्क, और बहुत मेहनत लगती है शो को बनाने में, और स्पेशली जो सेट बनाया हुआ है इतना बड़ा शिरडी का, वो बहुत ही सुंदर है. और जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि सारे एसी फ्लोर्स होते हैं और ज़्यादा सिर्फ सेटअप इतना होता नहीं है, पर ये एक वो फील देता है शिरडी का, और जब हम एंटर भी करते हैं हमें लगता है अरे आ गए हम गांव में शिरडी में. अभी शिरडी में शूटिंग हुई है? नहीं, शिरडी तो नहीं, पर सेट जो है नायगांव में ही बनाया गया है शिरडी का. थैंक यू. हम पहले से ही, मुझे पता था साईं बाबा के बारे में, और उसके बाद कुछ लिटरेचर पढ़ा, कुछ पिक्स देखी, और इमेजिनेशन पे थोड़ा सा काम किया कि अगर इन कंडीशन में कोई इंसान इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से सोचता होगा. एंड आई फाइंड ऑल गुड एंड पॉजिटिव, सो थोड़ा सा अपने आप को, जो हमारा बेसिक एटीट्यूड होता है उसको चेंज करना पड़ा. मैं थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता था, लेकिन बाबा बहुत ग्रेसफुल हैं और बहुत बड़ा कैरेक्टर हैं, तो बहुत सोच समझ के, बहुत प्यारी सी बात, और ऐसी कि एक बच्चे से लेकर एक बड़े इंसान तक को समझ में आए, तो वो ये साईं बाबा की कृपा से ही मिला मुझे. मैं ऑडिशन के लिए गया था, एंड आई एम एन एक्टर, आई लव टू फेस ऑडिशंस, तो मैं गया और मैंने फेस किया. मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि मुझे इसे करना चाहिए, मुझे बुलाया गया था, और फिर ऑडिशंस होते गए, मॉक शूट होते गए, और मैं सिलेक्ट हो गया. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. मेरा नाम अबीर सूफ़ी है, मेरा एकेडमिक नेम वैभव सारस्वत है, और अबीर सूफ़ी जैसे आपको सुनने में ही लगेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस धर्म से है, तो वैसे ही बाबा के बारे में भी किसी को पता नहीं चलता वो कौन है, कहाँ है, कैसे आए, क्या हुआ, तो वैसे ही बाबा ने मेरे साथ किया. मैंने मना किया, ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद सेलेक्ट हुआ, फिर लुक टेस्ट, मॉक शूट, सब होता गया, और अभी मैं कर रहा हूँ. लैंग्वेज के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नो डाउट. साईं बाबा के लैंग्वेज के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि सबको समझ में आए. कोई इंसान इंडिया के किसी भी पार्ट से हो लेकिन उनको समझे कि मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, उनको पूरी बात समझ में आनी चाहिए, तो हम लैंग्वेज वो लेके चल रहे हैं जो बहुत कंटेम्प्रेरी है, बहुत मतलब इंग्लिश वर्ड्स हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, एंड अदर देन दैट बाकी
बाकी हम संस्कृत निष्ठ भी नहीं बोल रहे हैं और खालिस तलफ़ुज़ के साथ उर्दू भी नहीं बोल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि ये किसी एक रीजन से बिलोंग करने वाले इंसान की है। सभी लोग सुनेंगे और सभी को समझ में आएगा जो इंडियन से। साईं बाबा पे जैसे एक शो आया था, उसमें मुकुल नाग करके एक्टर हैं, काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, वो कर रहे थे, और इससे पहले सुधीर दलवी ने किया है, वो बहुत सीनियर एक्टर हैं। हाँ देखिए, साईं बाबा जैसे बाकी लोगों ने किया है तो 10 साल पहले आए थे, तो उस समय में जो बच्चे समझ सकते थे, मतलब 10 साल 15 साल के थे, वो 25 साल हो चुके हैं। और मेरे लिए तो ये चैलेंज है कि अब जो लोग देखें तो वो मान लें कि वेरी कंटेम्प्रेरी साईं, और पहले से ही साईं बाबा का कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसे बड़ा करना तो लगभग असंभव है। हाँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कैरेक्टर के साथ जस्टिस करूँ, और जो लोगों की इमेजिनेशन है बाबा को लेके, जो उनकी फीलिंग है, उसमें उन्हें आनंद मिले, बाबा को थोड़ा और समझें, और हमारी सोसाइटी को एक मैसेज जाए कि हम थोड़ा पेशेंस यानी वही सब्र, श्रद्धा यानी बिलीफ, ये बिलीफ और पेशेंस के साथ काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। फिर कितना बिलीव रखते हैं साईं बाबा? साईं बाबा में 1000% बिलीव है, और मेरा एक्चुअली लोग मान के चलते हैं कि कुछ हो तब बिलीव होना चाहिए, मेरा मानना है जब बिलीव होगा तब कुछ होगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं रोज़ बाबा को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे गाइड करिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला भी कि मैंने कैरेक्टर को नहीं चुना, कैरेक्टर ने मुझे चुना, मैंने साईं बाबा को नहीं चुना, साईं बाबा ने मुझे चुना। थैंक यू। जी हाँ, 25 तारीख को हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शाम 7:30 बजे ये शो लेके आए हैं जिसका नाम है मेरे साईं। मेरा नाम वैभव मांगले है, मैं मराठी थिएटर कर चुका हूँ, करता हूँ, फिल्में कर चुका हूँ, धारावाहिक भी कर रहा हूँ, टेलीविजन करता हूँ। तो मेरे लिए ये पहली हिंदी सीरियल है, डेब्यू है इसमें, और बहुत बड़ा डेब्यू है क्योंकि इसमें मैं विलन का किरदार कर रहा हूँ, सबसे बड़ा विलन। जैसे हम कहते हैं कि जब तक अंधेरा पता नहीं चलता तब तक उजाले की कीमत नहीं होती है आदमी को, उसी तरीके से इसमें कुलकर्णी इतना उसमें इतना कमीनापन है एक तरीके से, या इतना निगेटिव है, अंधकार है शिरडी में इसकी वजह से, और तभी साईं बाबा आते हैं शिरडी में और गरीबों को मतलब उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, जो कुलकर्णी नहीं है, उसके मन में कोई दया भाव नहीं है, कोई करुणा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत स्ट्रांग निगेटिव कैरेक्टर है, और वो करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। वैसे मैं हूँ नहीं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वही बात है, एक्टर को आप कोई भी आपको रोल मिले तो आप वो 100% करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस शो को चूज करने कुछ खास वजह नेगेटिव कैरेक्टर का, क्योंकि काफी पब्लिक हेसिटेट होती है नेगेटिव कैरेक्टर? हाँ। देखिए, मैंने पहले बताया ये मेरा पहला हिंदी शो है और डेब्यू रोल इसमें मैं कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा रोल मिला है। देखिए, होता ये है, साईं चरित्र में हम जानते हैं साईं बाबा क्या थे, क्या है। वो बहुत ही नेक संत थे, ईश्वर थे, और जिनको जिनको उनकी अनुभूति है वो तो मतलब क्या कहे उनके बारे में। तो मेरे ख्याल से इसमें जो मुझे जब नितिन वैद साहब ने पूछा कि आप ऐसा ऐसा रोल है करोगे क्या, तो मैंने झट से हाँ कह दिया, क्योंकि कुलकर्णी एक ऐसा आदमी है जिसको जितना आप पोर्ट्रे करो उतना कम है। समझ गए, मेरे एक्टर की जो भूख है वो कुलकर्णी ही पूरी कर सकता है, जितना उसमें वो डालो विलन निगेटिविटी डालो उतनी कम है। जिस दिन लोग मुझे रास्ते पर गाली देंगे कुलकर्णी को, या जिस दिन मुझे पकड़ के बोलेंगे ये छोड़ दो करना, तब मैं मानूंगा कि मैंने वो 100% करने का प्रयास किया है। जैसे आपने कहा आप मराठी इंडस्ट्री के, तो हिंदी सीरियल करना कितना चैलेंजिंग रहा और देखिए लैंग्वेज पे तो ध्यान देना पड़ता ही है, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो। जैसे मराठी में हर ज़िले की एक बोली है,
तो मैं जब मराठी थिएटर करता हूँ तो मैं वो टाइप की बोली बोलने का प्रयास करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ मालवणी होती है, घाटी होती है, कोल्हापुर के आसपास जो बोली जाती है, वो सब लैंग्वेज में बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है एक्टर को हर लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। अगर आप साउथ में काम कर रहे हो तो वो लैंग्वेज सीखो, उसमें एक मज़ा होता है। देखिए मराठी तो बहन है हिंदी की, और हिंदी बहुत सॉफ्ट है, मराठी थोड़ी खड़ी होती है, तो हिंदी में काम करना मेरे लिए एक सपना जैसा है, क्योंकि हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। ये जो हिंदी में जो काम होता है, जो फिल्मों में हो या टेलीविज़न पर हो, वो पूरे भारत में देखा जाता है, तो अगर मैं हिंदी में काम करूँगा तो पूरा भारतवर्ष मुझे देखेगा। अगर वहाँ काम करके मुझे लोग पसंद करे, ऐसे मेरी मंशा है, तो मुझे हिंदी आनी चाहिए और अच्छी हिंदी आनी चाहिए, और मैं वो टाइप का कैरेक्टर मुझे अच्छे तरीके से करना चाहिए। हाँ अब देखिए शो क्या बन रहा है, क्योंकि मैं अभी बता नहीं सकता हम किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप जब देखना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। देखिए साई चरित्र तो हमारे पास है, जो है वो हमने रिसर्च बेस पर सब किया है, ऐसा कुछ भी हम इसमें नहीं दिखाएंगे जिससे कंट्रोवर्सी हो। तो हम यही चाहते हैं कि जो साई सच्चरित्र है उसके ऊपर ही बेस्ट हमारा शो हो। 25 अरे मन में आप पूछो ही मत, क्योंकि गए 7-8 महीने से मैं ये शो का वेट कर रहा हूँ, और मैंने कुछ काम भी फ़िलहाल नहीं लिया था इस शो के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार हिंदी में काम कर रहा हूँ और सोनी जैसे बड़े चैनल पे काम कर रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट क्या हो सकती है ये आप जान सकते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, और ज़रूर हमारा शो 25 को शुरू हो रहा है शाम 7:30 बजे, तो आप ज़रूर देखिए और मुझे पसंद कीजिए।